दुनिया का बेस्ट बॉलर जो नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले आप रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइड T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं, आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। बुमराह तो एग्जाम्पल सेट करता है जब भी आता है। बुमराह इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। जसप्रीत बुमराह को इस वक्त द बेस्ट कह सकते हैं, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट ठीक है, पैट कमिंस भी हैं, मिचेल स्टार्क भी हैं अपनी जगह, वो भी बहुत बड़े बॉलर थे, लेकिन जिस तरह ये भारत को लेकर चल रहे हैं ना, जहां जरूरत भारत महसूस करता है ना कि हमें ब्रेक थ्रू की जरूरत है, वहां ये ब्रेक थ्रू। जसप्रीत बुमराह टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन आ चुके हैं, ये होती है रैंकिंग। ये परफॉर्म करके आया है, बॉबर की तरह घंटा बजवा कर नहीं नंबर वन बना, परफॉर्म करके अगला टेस्ट क्रिकेट में नंबर वन आया। बुमराह का नंबर वन आना बिल्कुल शॉकिंग नहीं है। देखें बुमराह एक बड़ा जबरदस्त बॉलर है और वो डिजर्व भी करता रहा, जिस तरह का बुमराह बॉलर है वो यही पोजीशन डिजर्व करता है। वो नंबर वन बॉलर क्यों है, क्योंकि उसकी एक तो हार्ड लेंथ है, इसी के साथ साथ वो यॉर्कर भी मार सकता है, वो आपको शॉर्ट बॉल भी दे सकता है हार्ड लेंथ के ऊपर, तो इस वजह से वो जो बॉलर है ना वो बड़ा खतरनाक। वो कंपैरिजन नहीं रखना चाहती सामने, मगर हमने एक तरफ बुमराह इंजर्ड होते हुए देखे, एक तरफ शाहीन इंजर्ड होते हुए देखे। हमने फास्ट पेस किया शाहीन को अपनी इंजरी में, और 22 के वर्ल्ड कप में हम जबरदस्ती हाफ फिट शाहीन को लेकर आ गए, जो कि किसी ने माना नहीं हाफ फिट है, सिर्फ फाइनल में आके जो है वो रमेश राजा साहब ने फाइनल से पहले माना कि 70% फिट भी शाहीन खेल सकता है, मगर उसका खमियाज भुगत रहे हैं, क्योंकि हमें अब दिख रहा है कि उसको वापस रिहैब में जाना पड़ा। जब से शाहीन हैज कम बैक फ्रॉम इंजरी, ही हैज नॉट गिवन शोन दैट स्पार्क दैट ही हैड। इन कॉन्ट्ररी बुमराह के लिए द कंप्लीट बीसीसीआई वेटेड, रोहित शर्मा ने कहा एक दो वर्ल्ड कप जाए ना जाए, मगर ये जब वापस आएगा तो ये ऐसा मैच विनर बनेगा, एंड राइट नाउ ही इज द नंबर वन टेस्ट बोलर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों अगर हम बात करें वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे शानदार बॉलर की, या यूं कहें कि ऐसा बॉलर जो तीनों फॉर्मेट में जबरदस्त बॉलिंग कर रहा हो, तो एक ही बॉलर का नाम निकलकर सामने आता है और वो है जसप्रीत बुमराह। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट में शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह को उनकी शानदार परफॉर्मेंस के कारण ICC के वो नंबर वन बॉलर भी टेस्ट में बन चुके हैं। जसप्रीत बुमराह की शानदार परफॉर्मेंस और इस शानदार अचीवमेंट को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि प्रेजेंट टाइम में जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर किसी भी टीम के पास नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि प्रेजेंट टाइम में जो जसप्रीत बुमराह का स्टेटस है, उसके आसपास ना तो कमिंस, ना ही स्टार्क, ना हेजलवुड, ना शाहीन आफरीदी, और दुनिया का और कोई भी बॉलर उनके आसपास भी नहीं टिकता है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि जसप्रीत बुमराह का मेन फोकस टेस्ट क्रिकेट में रहता है। उनको इंजरी हो गई थी, लेकिन जब से वो इंजरी के बाद लौटे हैं उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है। वो तीनों फॉर्मेट में दुनिया के नंबर वन बॉलर बन चुके हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने जसप्रीत बुमराह के ICC टेस्ट रैंकिंग के नंबर वन होने पर क्या कहा है। बुमराह टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन आ चुके हैं, ये होती है रैंकिंग। यार परफॉर्म करके आया है, बॉबर की तरह घंटा बजवा कर नहीं नंबर वन बना, परफॉर्म करके अगला टेस्ट क्रिकेट में नंबर वन आया। इस हमारी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ जलालत है, वो हम फेस कर रहे हैं। बुमराह जैसा बॉलर है, मतलब ये देखो बुमराह जैसा बॉलर डिजर्व करता है किसी भी रैंकिंग में टॉप पे आना, मुझे खुशी होगी। क्यों? परफॉर्म करके आया, बाबर आजम की तरह छोटी टीमों को मार के या छोटी टीमों के रन करके नहीं आया, परफॉर्म करके आया, बड़ी टीमों के आगे परफॉर्म करके आया, बड़े मैचेस में प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करके आया। लेकिन जब मेरे घंटे के ऊपर नजर आया ना, मेरा दिमाग तपता है, ICC कौन सा नशा चर्स फूंक के बैठा हुआ है, कौन सी फीम इन्होंने पी हुई है कि ये घंटे को नहीं नीचे फेंक रहे, परफॉर्मेंस इसकी जीरो है, और पता नहीं ICC को नंबर वन 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 नंबर वन। बुमराह है ना ऊपर, अश्विन दूसरे पे, मजा आया, पता लगा भाई परफॉर्मेंस है दोनों की। जो बंदा टेस्ट क्रिकेट में फर्स्ट ओवर में पुल शॉट और ड्राइविंग खा रहा है रेड बॉल में, वो बंदा घंटे का नंबर वन आएगा। ये शहीन लंगड़ा ये क्या परफॉर्मेंस देगा, या ये क्या पाकिस्तान को ऊपर लेके आएगा, जिसको ये नहीं पता कि मैंने टेस्ट क्रिकेट में किस लाइन और लेंथ से बॉलिंग करनी है। क्या चीज बुमराह को स्पेशल बनाती है, यही चीज है कि बुमराह जो है ना वो हार्ड लेंथ के ऊपर बॉलिंग करता है, बॉडी टू बॉडी, कभी इन कभी आउट, और बस यही होती है उसकी बॉलिंग। आप देखें इसके अंदर उसके पास खासियत क्या है, एक उसकी पेस नहीं है इतनी जितनी होनी चाहिए फास्ट बॉलर की होती होती है, ना उसके पास इतना स्विंग है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया का नंबर वन बॉलर क्यों है, क्योंकि उसकी एक तो हार्ड लेंथ है, इसी के साथ साथ वो यॉर्कर भी मार सकता है, वो आपको शॉर्ट बॉल भी दे सकता है हार्ड लेंथ के ऊपर, तो इस वजह से वो जो बॉलर है ना वो बड़ा खतरनाक, ऊपर से नाम बड़ा बन गया। बांग्लादेश के खिलाफ मैंने उसका आउट देखा, ऑफ स्पिन करके स्लोअर वन फेंक के ऑफ स्पिन, वहां ठप्पा लग के वहां इतना अंदर स्पिन जा रहा है,
तो वो स्पीड भी उसकी बॉल की बड़ी थी तब, तो वो भी बड़ा इंप्रेसिव एक चीज थी कि आप चेंज ऑफ स्पीड बॉल की जो करते हैं वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, तो बुमराह उसमें भी माहिर है। तो ये चीज है ना, आपने कहा जी ये शौक लगाई है, तो नहीं इतना खैर शौक नहीं लगाई, तो एक्सपेक्टेड था और बुमराह डिजर्व भी करता था मेरा ख्याल है नंबर वन बॉलर बनना। समथिंग रॉन्ग समवेयर ड्रास्टिकली, तो क्या हमारे पास वो एक्यूमेंट नहीं है, वो हमारे पास सोच नहीं है, वो क्रिकेटिंग अवेयरनेस नहीं है कि हम इन फास्ट बॉलर्स को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं? टेस्ट क्रिकेट को तैयारी में आपको एटलीस्ट कम से कम 30-40 फर्स्ट क्लास मैचेस जो है ना सीजन में खेलने पड़ते हैं, बिल्कुल, तो वो कहाँ है? अब अगर शहनशाह अफरीदी आएगा सेकेंड स्पेल के लिए, तो क्या वो अपनी उसी पेस को मेंटेन करेगा? नसीम शाह का जो पहला स्पेल 5-6 ओवर का होगा, इज ही गोइंग टू रिस्पॉन्ड विद द सेम स्पीड? तो ये चीजें जो है अगर हम नहीं इनको फॉलो करेंगे तो हमारे फास्ट बॉलर्स डेंट नहीं डाल सकते ऑपोजिशन को। मेन बॉलर आपके जो है नसीम शाह हैं या शहनशाह अफरीदी हैं या आमिर जमाल हैं, तो हैव दे प्रिपेयर्ड देमसेल्फ फॉर टेस्ट मैचेस इन ऑर्डर टू बॉल 90 ओवर्स एंड देन टेक विकेट्स एंड देन पुट प्रेशर फ्रॉम फर्स्ट स्पेल टू द सेकंड स्पेल एंड टू द थर्ड स्पेल? अब हमने देखा कि फर्स्ट स्पेल के बाद हमारी जो फास्ट बॉलर्स की जो स्पीड है वो आप देखें कि वो अगर वो 140 से शुरू होते हैं तो 130 पर आ जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने जसप्रीत बुमराह की जमकर तारीफ की है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में हमेशा से अच्छे फास्ट बॉलर निकल कर आए हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि जसप्रीत बुमराह की बराबरी का इस समय पाकिस्तान में कोई भी बॉलर नहीं है, यहां तक कि जसप्रीत बुमराह के हाफ कैटेगरी का भी कोई बॉलर अवेलेबल नहीं है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमने शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ का ऐसा हवा बनाया जिसे देखकर सबको ऐसा लग रहा था कि ये वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, लेकिन जैसे ही भारतीय टीम ने इनकी धुनाई की इनका पूरा वर्ल्ड क्लास निकल गया, लेकिन ऐसा जसप्रीत बुमराह के साथ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। जसप्रीत बुमराह को मारने से पहले 50 बार सोचना पड़ता है, यहां तक कि अभी तक कोई भी बैट्समैन जसप्रीत बुमराह को चार्ज नहीं कर पाया है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि इफ इन केस अगर जसप्रीत बुमराह ऐसे ही 5-6 सालों तक खेलते रहे तो वो दुनिया के ऑल टाइम फेवरेट बॉलर में से एक बन जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि प्रेजेंट टाइम में भारत की जो बॉलिंग की स्ट्रेंथ है वो बहुत शानदार है, चाहे हम बात करें फास्ट बॉलर्स की या फिर स्पिन बॉलर्स की। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि जो उनके फास्ट बॉलर हैं वो टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं, या यूं कहें कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते हैं, चाहे हम बात करें शाहीन आफरीदी की या फिर नसीम शाह की, इनसे 4 ओवर से ज्यादा फेंका ही नहीं जाता है। यही रीजन है कि पाकिस्तान के सभी बॉलर टेस्ट क्रिकेट में पूरी तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, ना केवल टेस्ट क्रिकेट में बल्कि ओडीआई और टी20 में भी अब ये बॉलर पूरी तरीके से एक्सपोज होकर रह गए हैं। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही, तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।